प्रणाम सभी को। पहली बार महसूस करने जा रहा हूँ जिस चीज़ ने मुझे सबका प्यार दिया है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, संगीत, म्यूज़िक। आज पहली बार मैं YouTube में उसे एक सम्मान दे रहा हूँ रियाज के द्वारा। हाँ, मैंने लाइव कॉन्सर्ट तो किया ऑफकोर्स, लेकिन रियाज एक अलग दुनिया होती है। रियाज एक बहुत, जो लोग नेचुरली आज हैं यहाँ पर वो जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कभी कभी रियाज करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी गला भर आता है। और हर म्यूजिशियन, चाहे वो बजाने वाला हो या गाने वाला हो, अंदर से बहुत अलग कन्फिग्रेशन होती है सबकी। थोड़े टेढ़े होते हैं ना, इमोशनल होते हैं, आत्मसम्मान। रियाज के बहुत तरीके होते हैं, सबकी अपनी अपनी आवाज़ों के अलग अलग तरीके होते हैं। इस मोमेंट पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारी क्या सोच है। हमारा एक ऐसा साज है जो हमारे शरीर के अंदर में है। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग, हाउ लकी आर वी, कि हमारा साज हमारे साथ पैदा हुआ और हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा अपना है, किसी और का कीबोर्ड कोई और इस्तेमाल कर सकता है, पर ये आवाज़ सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो इसको लेकर पैदा हुआ है। सो अपनी अपनी आवाज़ों को बहुत इज्जत कीजिए और धन्यवाद दीजिए खुदा को, भगवान को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को, कि आप म्यूज़िक को समझ भी पा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक से कोई उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, और एक आप और हम हैं जो म्यूज़िक को समझ पा रहे हैं। हम बिना गाए भी अपने कान में गाना गा सकते हैं, अपने दिमाग में गाना गा सकते हैं, और हमें हमारे कान में उसकी आवाज़ आती है ना आप लोगों को भी, है ना, कमाल है। हम गाते नहीं हैं लेकिन हमारे दिमाग में गाना चल रहा होता है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल फीलिंग। रियाज के मैंने कहा आपको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका सारे बड़े लोगों ने सिखाया है, समझाया है, वो है सुर लगाना, एक सुर को लगाना। ये भी मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ चीज़ों को। मैं भी समझता था कि शायद बहुत ज़्यादा हरकतें लेने से या बहुत ज़्यादा ताने मारने से सिंगर अच्छा होता है, बड़ा होता है, लेकिन जिस सुर में, जिस सा लगाने में आपकी रूह ना दिखे, वो सुर किसी काम का नहीं है। मैंने सी शार्प का तंत्र लगा रखा है इसमें, आई तबला प्रो ऐप है। आपका बजा रही होप सो। मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब और मोहम्मद ताहिर जी, जिनसे मैंने शुरू में सीखा था कुछ समय, उनसे जो जो थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैंने इतना नहीं सीखा, मुझे इतनी रागदारियाँ नहीं पता, मैं बहुत ही कम जानकार हूँ रागों के मामले में और कुछ, और मेरे से बड़े बड़े बहुत खान साहब पढ़े हैं, तो जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं आपके सामने उसका घमंड नहीं करूँगा या उसके बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं आता मुझे इतना कुछ, मैं सिर्फ सुन के सीखा है मैंने, पर मुझे वॉइस कल्चर की थोड़ी समझ है कि आवाज़ को किन किन तरह से निकाला जा सकता है। शायद आपने मेरी इमिटेशन जो देखी है, अगर मैं लोगों की नकलें उतारता हूँ तो वो इसकी वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉइस कल्चर की समझ है। ऑफकोर्स सीखता रहता है इंसान, आजकल भी मैं नई नई आवाज़ें सीख रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ तो ये सब करता रहता हूँ। मेरे घर वाले परेशान हो रहते हैं, क्योंकि वो एक बार सुबह से चालू होता तो फिर मैं शाम तक वही आवाज़ की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, विच बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, बट दैट्स अबाउट वॉइस कल्चर। तो काफ़ी लोग रियाज करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने सी शार्प यानी कि काली एक सुर लिया हुआ है। आप चाहें तो अगर आपके पास में अपना तानपुरा है तो आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यमन राग में मैंने लगा रखा है इसके, इस स्वर, इसके जो हार्प स्वर तरंग जो है इसके। पहली बात, हमेशा जब रियाज करें, रियाज से पहले
छाती को, छाती का केला, छाती ऐसे सांस को रोकिए, ऐसे छाती भर के सांस को रोकिए, क्योंकि ये काम छाती का है। जितना करेंगे और प्रैक्टिस हुए तो फिलहाल जब आप अकेले बैठेंगे तो ये सब पत्ते रहना। अभी हम लगाएंगे सिर्फ सा, लगाएंगे सा सा। अब दो तरीके इसके हैं, एक तो है सा, बहुत अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में भी कहा गया है कि जिस आवाज़ में आप बात कर रहे हैं उस उतने ही लेवल में आप गाएं। तो जो लोग बहुत लाउड बात करते हैं फिर वो लाउड गाए, और जो लोग सॉफ्ट बात करते हैं फिर सॉफ्ट में गाए। तो मेरे लिए बनता है ऐसा, और एक तो स नहीं होगा, हम बोलेंगे ना सा भी नहीं करेंगे, बीच करेंगे। ये भी तकनीक है, इसको भी कुछ लोग बड़े बड़े खास साहब लोग, मैंने भी काफ़ी कर रखा है इसको, इसको ऐसे लाल के और ये बात की बात है, बात की बात है, ठीक है। तो हम सिर्फ सा लगाएंगे, कुछ नहीं, कोई यहाँ पे आप उम्मीद नहीं करना कि मैं यहाँ पे कुछ पलटे वल्टे मारूंगा। रियाज़ का मतलब होता है आवाज़ का वॉल्यूम, आवाज़ को खूबसूरत करना, वो सब ताने पलटे तो हमको गानों में मिलते रहते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन सही सा लगाना ये और बाय द वे सही कुछ भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। जो मुझे काम करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ किस, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपको। अपना रियाज़ का तरीका आप खुद सोचिए, खुद समझिए कि मुझे क्या सूट करता है। मेन बात यह है कि आपकी आवाज़ का वॉल्यूम बहुत लाउड नहीं होना चाहिए और हवा गले से नहीं निकलनी चाहिए, जैसे आ ये रहोगे, इट शुड बी आ, ये भी नहीं आ, ये ना बहुत लाउड है ना बहुत कम है। तो अब हम लोग सब मिलके इस लॉकडाउन को फ़ायदा उठाते हुए जब हम याद, मैंने लिखा इसका सिंग एंड प्रे विद सोनू, उसका मतलब ये है कि जब ये रियाज करते हैं तो ये सिर्फ रियाज नहीं होता, ये एक प्रार्थना भी होती है। तो ये प्रार्थना समझ लीजिए हम लोग मिलके करेंगे, अभी हमारा रियाज भी होगा और हम जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, उसकी तरफ हमारा समर्पण भी होगा, सरेंडर भी होगा। वी विल ऑल बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ आवर क्रिएटर्स एंड इवोक द हायर स्पिरिट्स इनसाइड आवर बॉडीज। और याद रखिए सर, मैं बात से करूँ, जब भी आप सा लगाएं नाक से सांस लीजिए और भर के सा मत कीजिए, सर खींचिए जितना खींच सकते हैं गला यहाँ पे आके। अगर आप सा छोड़ देंगे सा तो आपके गले के मसल्स जो हैं वो खींचेंगे नहीं और वोकल कॉर्ड स्टेज के पे एडजस्ट नहीं होंगे। मुझे ये काम करता, मैं ऐसे करता हूँ नाक से सांस समझ रहा सा। और
मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि ये उन लोगों के लिए शायद इतनी इम्पोर्टेंट क्लास ना हो जिनको गाने का शौक ना हो, पर जो लोग वाकई में गाना चाहते हैं, गाने की कोशिश करते हैं, मेरी तरह सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनके लिए ये टाइम है। तो ये हमारा बॉन्डिंग टाइम है।